हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इस क्लास में हम लोग मेनली सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर एंड इन सब प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी कंपाउंड्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट पे, जो कि इन्वॉल्व करता है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अब देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती क्या है, इसका नाम न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोला गया, ठीक है। तो देखो, हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, जब हम उसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराते हैं तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो हो क्या रहा था, एक एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो रही थी, सॉल्ट बन रहा था और वाटर बन रहा था, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को जब हमारे पास एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करता है, इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, देखो हम लोगों ने लिटमस टेस्ट पढ़ा है। लिटमस पेपर जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है। जो हमारा सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता, कलर मेरा पर्पल ही रहता है, मतलब कि सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल। अगर कलर रेड हो जाएगा दैट मीन सॉल्यूशन मेरा एसिडिक है, अगर कलर ब्लू हो जाएगा दैट मीन सॉल्यूशन मेरा बेसिक है। यानी कि क्योंकि मेरा लिटमस पेपर न्यूट्रल रहता है, पर्पल कलर का रहता है, अगर हम उसको सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करें, यानी कि मेरा सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, और इसीलिए हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, जब हम लोग एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, साथ में वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिड अगर HCl है, बेस अगर NaOH है, तो बन जाएगा NaCl प्लस वाटर। NaCl क्या है मेरे पास, सॉल्ट, और वाटर बनेगा, ठीक है। और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मेरा सॉल्ट बना NaCl, ये लिटमस के टुवर्ड्स न्यूट्रल होता है, उस लिटमस पेपर के पर्पल कलर को चेंज नहीं करता, इसीलिए इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए अगर कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, तो जब एक एसिड और जब एक बेस आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, साथ में वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है, इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, देखो आर्हेनियस ने क्या बोला था कि एसिड वो स्पीशीज होती है जो H+ देती है और बेस वो स्पीशीज होती है जो कि OH- देती है। तो देखो होगा क्या, जब HCl की रिएक्शन होगी तो HCl कैसे एग्जिस्ट करता है, H+ और Cl- की फॉर्म में। NaOH कैसे एग्जिस्ट करता है, Na+ और OH- की फॉर्म में। दोनों को हमने मिक्स किया, दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, तो होगा क्या, ये जो H+ है वो तो कंबाइन कर लेगा OH- से और वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, और साथ में मेरे पास ये जो Na+ था वो Cl- से कंबाइन कर लेगा और NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि हमारे पास एक सॉल्ट होता है। तो इसी वजह से मेरे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है और इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे मेरे पास आती है, देखो अब न्यूट्रलाइजेशन, जरूरी नहीं है कि मेरे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने पढ़ा था कि एसिड्स हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी हो सकते हैं और वीक एसिड्स भी हो सकते हैं। सिमिलरली बेसिस हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस भी हो सकते हैं और वीक बेसिस भी हो सकते हैं। ये डिपेंड किस पे करेगा, कि हमारा कोई पर्टिकुलर एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगर कोई एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं वीक एसिड, ठीक है। तो अब इसी का यूज यहाँ पे आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। ध्यान से सुनना, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3 और स्ट्रॉन्ग बेस है KOH, ठीक है। तो देखो होगा क्या, इधर से H+ इधर से OH- के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर बन जाएगा,
और साथ में NO3 माइनस K+ के साथ रिएक्ट करेगा और KNO3 बन जाएगा। तो ये KNO3 क्या हुआ? सॉल्ट, और साथ में क्या निकल गया? वाटर। तो ध्यान से सुनना, जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराएंगे ना, तो जो मेरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, कंप्लीट सॉल्ट बनेगा और वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी वीक हो जाए, या तो एसिड वीक हो या फिर बेस वीक हो, उस टाइम पे मेरी रिएक्शन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी, वहां पे मेरे पास पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगी। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है, क्योंकि देखो अगर एसिड वीक हुआ तो एसिड तो पूरा डिसोसिएट ही नहीं हो रहा, अगर वो एसिड पूरा डिसोसिएट ही नहीं हो रहा तो मेरे पास जो सॉल्ट बनेगा, मेरे पास जो रिएक्शन होगी, उसमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगी ना। तो इसीलिए या तो मेरे पास कोई एसिड वीक हो या फिर कोई बेस वीक हो। तो देखो पहले एग्जांपल देखते हैं, अगर मेरे पास एक वीक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ करा रहे हैं। अब ये वीक एसिड क्यों है? क्योंकि ये वाटर में जाके कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है। जब ये वाटर में जाएगा तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा ही नहीं, यानी कि CH3COOH ये जो है पूरा CH3CO- में और H+ में डिसोसिएट ही नहीं होगा। अगर H+ पूरे नहीं है, OH- बहुत ज्यादा है, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगी? ऐसे रिएक्शंस में क्या होती है? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यानी कि जब CH3COOH NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो CH3CONa की फॉर्मेशन हो जाती है, साथ में वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई बेस वीक आ जाए, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया HCl और बेस वीक हो गया NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इस केस में मेरे पास अब ये बेस कैसा है? वीक बेस है, अब ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, तो मुझे OH- सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होंगे ना सॉल्यूशन में। अगर वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है, H+ बहुत ज्यादा है, OH- बहुत कम है। OH- कम क्यों है? क्योंकि बेस वीक है, यानी कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि H+ बहुत ज्यादा है, OH- बहुत कम है। तो ऐसे केस में भी मेरे पास क्या होगी? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ऐसे केस में मेरे पास पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगी, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस केस की बात करूं, तो यहाँ पे मेरे पास देखो H+ बहुत कम है इस वाले केस में, OH- बहुत ज्यादा है क्योंकि बेस मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो H+ बहुत कम है, OH- बहुत ज्यादा है। तो जब इन दोनों के बीच में न्यूट्रलाइजेशन होगी तो OH- तो सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा फिर भी बच जाएगा, ठीक है, OH- तो सॉल्यूशन में फिर भी एक्स्ट्रा बच जाएगा। और अगर OH- सॉल्यूशन में बच गया, यानी कि मेरा सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन मेरा बेसिक नेचर का होगा, सॉल्यूशन मेरा बेसिक नेचर का होगा। बाकी अब तुम सेकंड केस में देखो, HCl मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH मेरा वीक एसिड है। तो देखो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा है, लेकिन NH4OH वीक बेस है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, यानी कि दोनों के बीच में जब न्यूट्रलाइज होगा तो एक्स्ट्रा H+ तो फिर भी बच जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा H+ बच गया, यानी कि मेरा सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा। तो जब बेस वीक है तो एसिडिक सॉल्यूशन, जब एसिड वीक है तो बेसिक सॉल्यूशन। इस तरीके से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के बारे में बता सकते हैं कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो मेरा सॉल्यूशन कैसा होगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे बात हुई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब देखो किसी भी सॉल्यूशन को अगर हमें कंपेयर करना है कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेस ज्यादा बेसिक है, या कौन सा कम बेसिक है, कौन सा ज्यादा बेसिक है, तो वो हम लोग कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट था सोरेनसन, उसने एक स्केल डेवलप किया, पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल उसने डेवलप किया। उसने क्या बोला कि हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पीएच का मतलब होता है पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इस तरीके से बोला गया कि हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पीएच के अकॉर्डिंग ही हम बता पाएंगे कि वो सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक होगा, कम बेसिक होगा, ज्यादा एसिडिक होगा या फिर
कम एसिडिक होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक स्केल दिया गया, पीएच स्केल, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब ये पीएच होता क्या है, देखो, अब देखो पीएच को उसने क्या बोला, उसने बोला कि मेरे पास जो पीएच की वैल्यू होती है ना, वो होती है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। ठीक है, ठीक है, देखो नेगेटिव लॉगरिथम, अगर हम किसी एसिड की बात कर रहे हैं तो जितनी उसमें एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी, जितने उसमें एच प्लस आयन होंगे, अगर उतने एच प्लस आयन का मैं नेगेटिव लॉग ले लूं तो मेरे पास पीएच की वैल्यू आ जाती है, तो मेरे पास पीएच की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो पीएच को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस, पीएच को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस। ठीक है, अब देखो उसने जो पीएच स्केल दिया, ठीक है, उसके बारे में मेनली हम लोग बात करते हैं कि उस पीएच स्केल को देख के हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, वो सॉल्यूशन बेसिक होगा, या फिर वो सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास पीएच स्केल जो होता है ना, वो 0 से 14 तक वेरी करता है। मेरे पास जो पीएच की जो वैल्यू होती है वो 0 से 14 तक वेरी करती है। ठीक है, कैसे वेरी करती है, देखो पीएच की वैल्यू 0 से 14 तक वेरी करती है, मतलब कि 0 से ये स्केल स्टार्ट होगा और 14 तक जाएगा। ठीक है, उसने क्या बोला कि अगर मेरे पास पीएच की वैल्यू 7 है, पीएच की वैल्यू 7 है, तो मेरे पास सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन मेरे पास न्यूट्रल होगा, सॉल्यूशन मेरे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, ना तो उसमें कोई एसिड होगा ना ही उसमें कोई बेस होगा, ना तो वो एसिडिक होगा ना ही वो बेस होगा। तो अगर पीएच की वैल्यू 7 है तो मेरे पास सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उसके बाद देखो अब स्केल कहां से वेरी कर रहा है, फ्रॉम 0 टू 14, तो हाफ पे यानी कि पीएच 7 पे हमने बोल दिया सॉल्यूशन न्यूट्रल, तो यानी कि अगर मैं पीएच 0 टू 7 की बात करूं, 0 से 7 पीएच तक बात करूं, अगर इस रेंज में मेरे पास सॉल्यूशन की पीएच आ रही है, दैट मींस मेरा सॉल्यूशन एसिडिक होगा, मेरा सॉल्यूशन एसिडिक होगा। ठीक है, अब बचा 7 to 14, तो 0 से 7 एसिडिक, 7 पे सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, तो 7 से 14 पे सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक हो जाएगा ना। तो यानी कि अगर पीएच की वैल्यू 7 से 14 के बीच में आ रही है तो मेरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई पीएच स्केल की। ठीक है, अभी दोबारा डिस्कस करते हैं इस चीज को, उससे पहले पीएच को उसने कैसे डिफाइन किया, एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस, एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस। ठीक है, अब देखो पीएच 7 होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, पीएच लेस देन 7 होगी एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, और बेसिक सॉल्यूशन के लिए पीएच क्या होगी, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7। अब देखो पीएच 7 का मतलब है माइनस लॉग एच प्लस की वैल्यू, ये किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, यानी कि लॉग एच प्लस की वैल्यू ये किसके इक्वल है, माइनस 7 के इक्वल है, किसके इक्वल है, माइनस 7 के इक्वल है, यानी कि एच प्लस की वैल्यू दोनों साइड हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास एच प्लस की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 10 to the power -7 की इक्वल आ जाएगी। यानी अगर किसी सॉल्यूशन में पीएच 7 है, दैट मींस मेरी एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power -7 के इक्वल आ जाती है। अगर किसी सॉल्यूशन में पीएच लेस देन 7 है, मतलब कि एसिडिक सॉल्यूशन है, तब मेरे पास एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 10 to the power -7 होगी। अगर किसी सॉल्यूशन में पीएच ग्रेटर देन 7 है, तब मेरे पास एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power -7 से कम हो जाएगी, 10 to the power -7 से कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन के लिए पीएच डिफाइन करते हैं ना, वैसे ही हम लोग पीओएच भी डिफाइन करते हैं। पीओएच क्या होता है, किसी एसिड का एसिड में प्रेजेंट एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम पीएच, ऐसे ही किसी बेस में प्रेजेंट, बेस में क्या प्रेजेंट होंगे, OH-, तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम क्या कहलाता है, POH, क्या कहलाता है, POH। तो पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, POH क्या होता है, माइनस
log of concentration of OH minus, यानी कि जो आपका pH plus POH होता है वो किसके इक्वल होता है, 14 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 14 के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपके दोनों का सम pH plus POH ये किसके इक्वल होगा, 14 के, ठीक है। अब pH स्केल देख के हमें कैसे पता लगेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, अगर pH 7 तो सॉल्यूशन न्यूट्रल, अगर 7 से कम तो सॉल्यूशन एसिडिक, 7 से ज्यादा 14 तक तो सॉल्यूशन बेसिक। अब उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे आता है, देखो एक और पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, जितनी मेरे पास पीएच कम होती जाएगी, मतलब जितनी 7 से कम होती जाएगी, अगर मैं 4 पीएच की बात करूं और 6 पीएच की बात करूं, तो जितनी पीएच कम होती जाएगी उतना एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा, उतना एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा, यानी कि पीएच 4 वाला सॉल्यूशन 6 वाले से ज्यादा एसिडिक होगा। उसके अलावा जितनी मेरी पीएच बढ़ती जाएगी उतना बेसिक करेक्टर बढ़ता जाएगा, यानी कि पीएच 10 और पीएच 8 को अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो पीएच 10 वाला सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक होगा, पीएच 10 वाला सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक होगा। जितनी कम पीएच सॉल्यूशन इतना ज्यादा एसिडिक, जितनी ज्यादा पीएच सॉल्यूशन उतना ज्यादा बेसिक। तो दो पीएच वैल्यू से अगर आप इजीली पहचान सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा और कौन सा सॉल्यूशन कम एसिडिक होगा, या फिर कौन सा ज्यादा बेसिक होगा कौन सा कम बेसिक होगा। तो यहाँ पे तो बात हुई पीएच स्केल के बारे में, किस कौन सी पीएच क्या डिनोट करती है, सॉल्यूशन एसिडिक कब होगा, बेसिक कब होगा। अब देखो हम लोग चलते हैं कि अगर हमें एसिड्स और बेसिस की, वही बात है, अगर हम उनकी रिलेटिव एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो कैसे करेंगे, लेसर द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, जितना पीएच कम उतना सॉल्यूशन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, जितनी पीएच ज्यादा उतनी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, जितनी पीएच कम उतनी एसिडिक सॉल्यूशन ज्यादा, जितनी पीएच ज्यादा उतनी बेसिक उतना बेसिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा। फॉर एग्जांपल जो हम लोग विनेगर लेते हैं उसकी पीएच 3 होती है, लेकिन जो हम लोग कॉफी पीते हैं उसकी पीएच होती है 4.5, यानी कि जो विनेगर होता है क्योंकि उसकी पीएच कम है वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कंपेयर टू कॉफी, एज कंपेयर टू कॉफी, ठीक है। सिमिलरली जो वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 उसकी पीएच 9 होती है, और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसकी पीएच 10.5 होती है। दैट मींस जो मेरा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्योंकि उसकी पीएच ज्यादा है वो एक स्ट्रॉन्गर बेस होता है एज कंपेयर टू दिस Na2CO3 वॉशिंग सोडा। उसके बाद है पीएच ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो हमारे स्टमक के अंदर भी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, वही एसिड्स हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है वो फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ना एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही होना चाहिए। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो पीएच मेरी बहुत कम हो जाएगी, दैट मींस मेरा स्टमक बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा और उस टाइम पे मेरे स्टमक में इरिटेशन होने लगती है और इसकी वजह से हमारे पास इनडाइजेशन भी होने लगती है। यानी कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर भी HCl तो होता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में होता है ताकि मेरे पास जो अगर ताकि एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा ना बढ़े कि वो इनडाइजेशन क्रिएट करने लगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देते हैं। अब उस मेडिसिन में क्या होता है, उस मेडिसिन में एक बेस प्रेजेंट होता है ताकि वो बेस क्या करे, आपके स्टमक में प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे और आपके स्टमक में एसिडिटी ना हो और आपकी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमारे स्टमक में यूज होता है। जो भी आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं रेनिडिडीन एंड ऑल दैट, उन मेडिसिन में होता क्या है, बेसिस ही तो प्रेजेंट होते हैं जो आपके स्टमक में प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सॉल्ट्स की क्लासिफिकेशन की, ठीक है। देखो हम सॉल्ट्स को ना डिफरेंट मेथड्स के थ्रू क्लासिफाई करते हैं। देखो पहला डिपेंडिंग अपॉन कि सॉल्ट में जो मेरे सॉल्ट्स है, एक तो हमारे होते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स, फिर आते हैं एसिडिक सॉल्ट, फिर आते हैं बेसिक सॉल्ट्स, उसके बाद आते हैं हमारे डबल सॉल्ट्स। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, एसिडिक सॉल्ट में, बेसिक सॉल्ट में और डबल सॉल्ट। तो देखो एसिडिक सॉल्ट, देखो नाम से ही पता लग रहा है एसिडिक, मतलब ऐसा सॉल्ट जो एसिडिक हो। एसिडिक मतलब उसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगी,
बेसिक सॉल्ट मतलब बेसिक है, बेसिक मतलब उसमें क्या होगा, एक OH माइनस होगा, तो बस यही डिफरेंस होता है दोनों में। सीधा एग्जांपल देखते हैं, देखो जब हम NaOH की रिएक्शन कराते हैं ना H2SO4 के साथ, तो बन जाता है NaHSO4 प्लस वाटर। अब देखो इसके अंदर ना एक रिप्लेसिबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, H+ प्रेजेंट है, इसी वजह से ये सॉल्ट कैसा होता है, ये एक एसिडिक सॉल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट का क्या मतलब है, वो बेस की तरह ऐड करेंगे, बेस की तरह ऐड करेंगे, दैट मींस उसमें OH- आयन प्रेजेंट होगा। तो देखो अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ कराती हूँ, तो बन जाता है, होता क्या है, एक OH एक Cl से रिप्लेस हो जाएगा। अब देखो ये जो मेरा सॉल्ट बना, इसमें एक OH- आयन प्रेजेंट है, इसमें एक OH- आयन प्रेजेंट है, दैट मींस मेरे पास, क्योंकि OH- आयन प्रेजेंट है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। इस वजह से ये सॉल्ट कैसा हुआ, बेसिक सॉल्ट होता है, ये एक बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट हमारे पास आते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का क्या मतलब है, हम क्या करते हैं, दो अलग अलग टाइप के सॉल्ट को मिक्स करते हैं, ठीक है, और एक डबल सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। दो अलग अलग टाइप के सॉल्ट को मिक्स करते हैं, इसका एग्जाम होता है, एग्जाम्पल होता है एलम, ठीक है। इसमें हम लोग K2SO4 को मिक्स करते हैं, साथ में Al2SO4 को मिक्स करते हैं, Al2 नहीं, इसमें हम लोग मिक्स करते हैं K2SO4 को और FeSO4 को, इन दोनों को मिक्स करते हैं, तो एक डबल सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, एक पूरा डबल सॉल्ट बन जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग दो अलग अलग सॉल्ट्स को मिक्स कर रहे हैं। तो ये तो हुई क्लासिफिकेशन सॉल्ट्स की, कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, OH- प्रेजेंट है, या फिर दो अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो अब हम लोग क्या करते हैं पीएच के बेसिस पे, कि सॉल्ट की पीएच लेस देन 7 होगी, ग्रेटर देन 7 होगी, या फिर इक्वल टू 7 होगी, उस बेसिस पे हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला है न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है, न्यूट्रल मतलब इस सॉल्ट सॉल्यूशन की पीएच क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, सॉल्ट सॉल्यूशन की पीएच 7 हो जाएगी, और अगर पीएच 7 है, दैट मींस ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करेंगे। एग्जांपल क्या होगा, NaCl, KCl, NaNO3, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन। एसिडिक का मतलब पीएच क्या होगी, लेस देन 7 हो जाएगी, पीएच क्या हो जाएगी, लेस देन 7। अभी हमने देखा था अगर मेरे पास एसिड स्ट्रांग हो और उसके बाद बेस वीक हो, तो मेरे पास जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक बनता है ना, तो बस उसी का एग्जांपल है। देखो एसिड स्ट्रांग होता है इसमें H2SO4 और बेस वीक होता है NH4OH, तो इसलिए ऐसे सॉल्यूशन की पीएच लेस देन 7 हो जाती है, और अगर एसिडिक है, दैट मींस कि लिटमस पेपर का कलर टुवर्ड्स रेड चेंज कर देंगे, लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट है मेरे पास बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन जो कि स्ट्रॉन्ग बेसेस और वीक एसिड से मिलके बने होते हैं। अब बेसिक है मतलब पीएच क्या होगी, ग्रेटर देन 7, यानी कि मेरे पास बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, और एसिड क्या होना चाहिए, वीक। अभी हमने एग्जांपल देखे थे, ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन को हम लोग बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल Na2CO3 एंड K3PO4 एक्सेट्रा, Na2CO3 एंड K3PO4 एक्सेट्रा, ये इनके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो बात हुई सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट के टाइप्स क्या होते हैं। अब हमारे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनसे जनरली जिनकी प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे उन कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें से सबसे पहला कंपाउंड है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा मेरे पास क्या होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट .10H2O, सोडियम कार्बोनेट .10H2O। सबसे पहले है इसकी प्रिपरेशन, इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया सोडा प्रोसेस या फिर सोलवेस प्रोसेस। अमोनिया सोडा प्रोसेस या फिर सोलवेस प्रोसेस। अब कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखो प्रिपेयर करने के लिए हम लोग लेते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन जिसमें 30% NaCl प्रेजेंट हो, ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। उस ब्राइन सॉल्यूशन में हम लोग ऐड करते हैं अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसके बाद हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NH4Cl। तो पहले हमने क्या किया, ब्राइन सॉल्यूशन लिया, उसमें अमोनिया डाला, कार्बन डाइऑक्साइड डाला, वाटर डाला, बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। जो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला ना, इसको हम लोग हीट करते हैं और सोडियम कार्बोनेट बन जाता है प्लस H2O प्लस CO2 की फॉर्मेशन हो जाती है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। अब देखो वॉशिंग सोडा क्या था, Na2CO3.10H2O, लेकिन इससे हमें क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ Na2CO3, यानी कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो है ही नहीं, यानी कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है वो तो अपनी एनहाइड्रस स्टेट में प्रेजेंट है, और इसकी जो एनहाइड्रस स्टेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं सोडा एश, इसको हम लोग बोलते हैं सोडा एश। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, इसकी हाइड्रेटेड स्टेट यानी कि वॉशिंग सोडा। तो अब अगर मैं इसमें पानी डाल दूं, वाटर डाल दूं, तो मुझे इसकी हाइड्रेटेड स्टेट मिल जाएगी, मेरे पास वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन हो जाएगी सोडा एश से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सॉल्वेंट प्रोसेस, जिसके थ्रू हम लोग वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन करते हैं। ध्यान रखना कि पहले हमें एनहाइड्रस स्टेट में मिलेगा, फिर जब हम इस एनहाइड्रस कंपाउंड की सोडा एश की हाइड्रेशन करेंगे तो हमें वॉशिंग सोडा मिल जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो देखो ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, ठीक है, उसके बाद वाटर में सॉल्यूबल होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वॉशिंग सोडा तो आप लोगों ने देखा ही होगा अपने घरों में भी, वाटर में तो सॉल्यूबल ही होता है वो, लेकिन इसकी जो पीएच होती है वो मोर देन 7 होती है, यानी कि इसका सॉल्यूशन स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, और अगर बेसिक नेचर का होता है दैट मीन्स ये लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ये लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद देखो हमारे पास वॉशिंग सोडा होता क्या है, Na2CO3.10H2O। तो जब भी हम इस वॉशिंग सोडा को हीट करते हैं तो ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये लूज कर देता है, तो इसका जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये लूज हो जाएगा, यानी कि अपनी ये हाइड्रेटेड फॉर्म से एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग सोडा एश भी बोलते हैं, यानी कि ये सोडा एश अलग हो जाएगा, उसके बाद मेरा 10H2O जो इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो अलग हो जाएगा। तो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है और एनहाइड्रस सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक वाइट कलर का एमोर्फस पाउडर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सोडा एश भी बोलते हैं। और देखो क्योंकि ये वॉशिंग सोडा है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये डर्ट को और ग्रीस को रिमूव कर देता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके यूजेस, इसके यूजेस क्या क्या है, इसको हम लोग ग्लास, सोप, पेपर, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, क्लोथ्स की वॉशिंग में यूज करते हैं, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए एज अ क्लींजिंग एजेंट भी इसको हम लोग यूज करते हैं। तो वॉशिंग सोडा में सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी प्रिपरेशन थ्रू सॉल्वेंट प्रोसेस, किस तरीके से हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन का यूज करके NaCl में अमोनिया ऐड करके, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करके, वाटर ऐड करके सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं, उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, देन सोडियम कार्बोनेट की जब हम लोग हाइड्रेशन करते हैं तो हमारे पास वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन हो जाती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और यूसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड पे, नेक्स्ट कंपाउंड है कॉस्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक सोडा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले है इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी प्रिपरेशन, तो इसकी प्रिपरेशन भी हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन से ही कराते हैं, यानी कि जो NaCl का 30% सॉल्यूशन होता है उसी के हम लोग क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, उसके एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर हमें मिल जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ये तीनों गैसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है और क्लोरीन गैस भी मिलती है। अब क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस भी मिल रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक अल्कली बेस भी मिल रहा है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस।
और इस प्रोसेस में जो मेरी हाइड्रोजन गैस होती है वो इवॉल्व होती है कैथोड पे, और जो मेरी क्लोरीन गैस होती है वो इवॉल्व होती है एनोड पे। तो इस क्लोरोअल्कली प्रोसेस के थ्रू हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक है, बिल्कुल सोपी सोपी सा टच होता है इसका, बिटर टेस्ट होता है। इसी सोपी टच की वजह से इसको हम लोग सोप्स में, डिटर्जेंट्स में, पेपर में यूज करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स में यूज करते हैं, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में यूज करते हैं, और सोडा लाइम जो कि NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का एक मिक्सचर होता है उसके अंदर भी इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड है मेरे पास बेकिंग सोडा। आप लोगों ने इसका नाम अपने घरों में सुना ही होगा, बहुत ज्यादा कुकिंग में इसका हम लोग यूज करते हैं, जब केक्स की प्रिपरेशन करते हैं, पेस्ट्रीज की प्रिपरेशन करते हैं, तो बेकिंग सोडा का यूज बहुत ज्यादा होता है। अब बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। तो सबसे पहले आती है इसकी प्रिपरेशन। तो देखो हम लोगों ने अभी यहाँ पे वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन पढ़ी थी। वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन में पहले स्टेप में क्या था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही तो बन रहा था, तो वही स्टेप जो है अब इसकी प्रिपरेशन में यूज हो जाएगा। वहां पे हमने क्या किया था? ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पास किया था, तो क्या बना था? बेकिंग सोडा। बस उसी की प्रिपरेशन वहां पे हमने बेकिंग सोडा को फर्दर हीट करके वॉशिंग सोडा बनाया, लेकिन अब हमें फर्दर कुछ नहीं करना क्योंकि हमें क्या चाहिए? बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले प्रिपरेशन वही फर्स्ट स्टेप है जब हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन की रिएक्शन कराते हैं विद अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेकिंग सोडा बन जाता है, साथ में NH4Cl की फॉर्मेशन हो जाती है, साथ में NH4Cl की फॉर्मेशन हो जाती है, यही बेकिंग सोडा हमें चाहिए, ठीक है। अब ये जो होता है बेकिंग सोडा, ये बहुत ही स्लाइटली सॉल्यूबल होता है वाटर में, मतलब कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं होता, तो इसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू इजिली रिमूव कर सकते हैं। अब आता है बेकिंग सोडा के यूजेस। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसके बेकिंग पाउडर जो कि हम घरों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर के साथ इसकी फॉर्म में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन कभी भी ना हम लोग बेकिंग सोडा को अकेले यूज नहीं करते, हमेशा इसको टार्टरिक एसिड के साथ इसको हम लोग यूज करते हैं। इसको हम लोग जो हम लोग हमारा डो होता है या फिर जो केक्स होती है, पेस्ट्रीज होती है उसकी, या फिर ब्रेड और केक्स, इनकी फॉर्मेशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? देखो जब हम बेकिंग सोडा डालते हैं और जब हम लोग खाना कुक करते हैं तो क्या होगा? इस बेकिंग सोडा को हम लोग हीट करेंगे, हमने उसमें ऐड किया हुआ है, तो जब हम इसको हीट करेंगे उस टाइम पे गैस इवॉल्व होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और इस गैस के जो बबल्स है वो जो हमारा फूड है उसकी पोर्स में फिल हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो कुक फूड है वो फ्लफी फ्लफी सा दिखने लगता है। फूड हमारा फ्लफी फ्लफी सा दिखने लगता है क्योंकि जब उसको हमने फूड में डाला और फूड को कुक किया उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे फूड के अंदर छोटे छोटे पोर्स में फिल हो जाती है, जिसकी वजह से फूड हमारा फ्लफी फ्लफी सा दिखने लगता है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इसमें हमने टार्टरिक एसिड क्यों डाला? क्योंकि देखो ये जो मेरा बेकिंग सोडा होता है, जो मेरा बेकिंग सोडा होता है ये बेसिक नेचर का होता है, टार्टरिक एसिड क्यों डालते हैं? ताकि इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर सके, सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर सके। अगर न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो जो हमारा टेस्ट होगा वो बिटर हो जाएगा, क्योंकि अगर ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन हो गया तो टेस्ट बिटर हो जाएगा ना, इसीलिए हम लोग इसमें एक एसिड, टार्टरिक एसिड यूज करते हैं ताकि हमारे फूड का टेस्ट भी खराब ना हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ये जो बेकिंग सोडा है, आप देखो हमने देखा कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एसिड प्रेजेंट होता है HCl, ठीक है। अब देखो जब भी कोई एसिडिटी होती है तो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देता है, ठीक है। अब उस मेडिसिन में होता क्या है? मेडिसिन में प्रेजेंट होता है बेस, ताकि वो क्या कर सके, आपके स्टमक में जो एक्स्ट्रा एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। अब वो जो मेडिसिन होती है ना उसमें बेकिंग सोडा ही प्रेजेंट होता है जो कि एक एंटा एसिड का काम करता है। एंटा एसिड का मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेता है। जो एक्सेस ऑफ HCl हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस HCl के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है, वाटर रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। उसके अलावा सेकेंड यूज है इसका फायर एक्सटिंग्विशर्स में। इसका
सेकंड यूज है फायर एक्सटिंग्विशर्स में। अब फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसको हम लोग यूज करते हैं, कैसे? देखो, हम लोग एक सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा जो है वो तो हम लोग ले ही रहे हैं, उसके अलावा हम लोग H2SO4 हम लोग डाइल्यूट एसिड भी डालते हैं। जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है ना वहां पे, तो CO2 गैस रिलीज होती है और यही CO2 गैस फायर एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करती है। तो इस तरीके से बेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है मेरे पास यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो जनरली डाइज में हम लोग यूज करते हैं ब्लीच करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर का सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, जो जनरली 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है आपके पास CaOCl2, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक लाइम की रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ, तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन हो जाती है। अब बात आती है कि ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, ब्लीच करने में, जनरली डाइज में भी इसको हम लोग यूज करते हैं, जनरली कॉटन को ब्लीच करने में, जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वूल पल्प को ब्लीच करने में, उसके अलावा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको स्टरलाइज करने में भी यूज करते हैं। इवन जो आपने देखा होगा जो स्विमिंग पूल्स होते हैं उनमें भी आपका क्लोरिनेटेड वाटर होता है। अब वो क्लोरीन आता कहाँ से है, इसी ब्लीचिंग पाउडर से आता है। उसके बाद है मेरे पास प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग क्लोथ्स की ब्लीचिंग करते हैं, क्लोथ्स को कलर करते हैं, ठीक है। कैसे कलर करते हैं, देखो हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, ब्लीचिंग पाउडर CaCl2, ठीक है। इस CaCl2 को के अंदर हम लोग ऐड करते हैं डाइल्यूट HCl। जब हम लोग डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाता है CaCl2 प्लस वाटर प्लस Cl2। इससे जो Cl2 रिलीज हो रहा है, क्लोरीन रिलीज हो रहा है, यही क्लोरीन हमारे क्लोथ्स की ब्लीचिंग में हेल्प करता है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा क्लोरीन HCl डालने पर ब्लीचिंग पाउडर से जितना क्लोरीन बना वो क्लोरीन रिएक्ट करे। ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि जो कुछ क्लोरीन अनरिएक्टेड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो। अब हमें क्या करना है, इस अनरिएक्टेड क्लोरीन को रिमूव करना है। तो इस अनरिएक्टेड क्लोरीन को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं, हम इसमें डालते हैं सोडियम थायोसल्फेट। जितना भी क्लोरीन बच गया जिसने रिएक्ट नहीं किया वो इस सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करता है और Na2SO4 और HCl और सल्फर बना देता है। यानी कि जो क्लोरीन अनरिएक्टेड फॉर्म में था वो अब रिमूव हो चुका है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन द फॉर्म ऑफ HCl। इसीलिए इस सोडियम थायोसल्फेट को हम लोग एंटी क्लोर भी बोलते हैं, इसको हम लोग एंटी क्लोर भी बोलते हैं, ठीक है। एंटी क्लोर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अनरिएक्टेड क्लोरीन को रिमूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा क्लोथ है उसको वाटर से वॉश करते हैं और उसके बाद ड्राई करके हम उसको रख देते हैं, जिससे हमारे क्लोथ की ब्लीचिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि जनरली घरों में यूज किया जाता है, वॉल्स पे यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको हम प्रिपेयर करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.5H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। इसकी प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, हमारे पास जिप्सम होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। जब हम लोग जिप्सम को हीट करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना है टेम्परेचर का 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पे, तो हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम इसे ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे ना तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी नहीं मिलेगा, तो होगा क्या, ये जो हाफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल लगा है ना ये भी निकल जाता है और हमारे पास कैल्शियम सल्फेट बच जाता है, एनहाइड्रस फॉर्म में कैल्शियम सल्फेट बच जाता है, जिसको हम लोग डेड बर्न प्लास्टर बोलते हैं, जिसका कोई यूज नहीं होता। हमें चाहिए क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसलिए हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करके जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है।
अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या होता है, जनरली टॉयज में, पोटरी में और सेरेमिक्स में इसको हम लोग यूज करते हैं, वॉल्स और रूफ्स की डिजाइनिंग करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, इवन फ्रैक्चर्ड बोन्स को हम लोग, फ्रैक्चर जिनको होता है वहां पे भी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, लेबोरेटरी में भी हम लोग सीलिंग गैप्स को एयर टाइट करने के लिए वहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर्स जो होते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, और यूज करने से पहले उसमें वाटर ऐड करते हैं ताकि वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाए और ताकि जो मेरी बोन्स है वो अच्छे से सेटल हो जाए, उस फ्रैक्चर जो हमने पीओपी का यूज किया है वहां पे, ताकि बोन्स है उनका अच्छे से फ्रैक्चर बिल्कुल ठीक हो जाए, इसीलिए पहले उसमें हम लोग वाटर का यूज करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे हुए कुछ कंपाउंड्स जिनका, जिनके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था, एनसीईआरटी में गिवन है, जनरली इनसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो उन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, पीएच स्केल के बारे में डिस्कस किया, सॉल्ट के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया और न्यूट्रलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। तो इस लेक्चर से आपको कोई भी डाउट है आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।